नमस्कार आपण माने समस्ते जानते प्रथमे आमर पद्मश्री दिलीप तिर्की को नमस्कार कर स्वागत कर दिलीप तिर्की वर्तमान आसिकी जातीय अंतर्जातीय बहुत स्तर आपण अतिक्रम कर सारे एवं जी आप पक्ष को बोली चाहती केमी लगे आप निजक बेले बेले भारी खुशी मन हुए बर्तन आम जो बसु या जो रहे आज जी बसिका ढड़ा हो भावे कि मु गोटे जगार ये जगह को किभ भाव आसिकी पहुँचली आज आपन सतरे आश्चर्य लगे कहीं से समय खेलु खेलु जो आप कहते रियली आज हॉकी माध्यम मु आज विश्व को चिन्ह पारुची देश को जानी पारुची अन्य लोक सहित मिसी पारुची ये सब खेल माध्यम जो हॉकी माध्यम जो रियली आज मुझक गर्व मन कर खुशी मत लगुच बहुत बढ़िया खुशी तो निश्चित हवा कथा आपण मैंने गर्व गौरव आपण दिने हॉकी खेल आरंभ कले पुणी जातीय हॉकी दल अधिनायक केते संघर्ष करिया को पड़ीथिले आपण को जेतले खेल आरंभ करथिले भाबीथिले कि दिने एंती हबो बोली कि जेतले आमे खेल आरंभ कलु आम गाँव रे आमे आमर फ्यूचर कौन आमे जाणनथुलु आमे सेठी गोटाय कल्चर आमे देखुथिली आमे देखुथुलु आम गाँ अंचल रे गोटे कल्चर बहुत भल भाव से अच्छी से रेगुलर वे से माने हॉकी खेलु छन वर्ष सारा आमे कादम दे से आर्टिकल देथिलु तो सही टाकू हु देखि कि आमे हॉकी खेलबा हम मन रे इंटरेस्ट आसिला अब आमे फन पे खेलु तो एंटरटेनमेंट खेलु तो हमर फ्यूचर को जे आमे जान नथिलु जणाबेनी एवं वर्तमान मध्य एमिति गाँव अछंती एमिति परिवार अछंती एमिति छुआ पुओ जे अछंती हॉकी खेलु छंती एंटरटेनमेंट पे केवे से भावि ना आम जा इंडिया टीम खेलू या आमको भल जब मिल आम मन में भी ना कि वर्तमान जेहेतु बहुत सामना को रोल मॉडल आसीगले बहुत खिलाड़ी झील पुह मैंने ओलंपिक पर्यटन जापारे बर्तमान जापार कि हाँ स्पोर्ट्स माध्यम हॉकी माध्यम आम आगे जापर स्ट्रगल कथ कह स्ट्रगल निश्चय कहीं जिते बारे आप आरंभ कर फैसिलिटी आपण को से समय न था नाला आर बर्तमान भी ना से प्रति गाँव में जोटा आम भावुँतापुर सेमती रेगुलर वे कौन प्रतिदिन आम आपण को शेड्यूल हिसाब से जो प्राक्ट होगा कथा गाँव में से प्राक्ट से मिलून आज आम जो देखु आप सार आम अच्छे सामन जी ये स्टार्टअप कर बहुत सुंदर ये इंटरनेशनल प्लेयर आसिक प्राक्ट कर मु गोटे कथ सदा बोले मुझे कहे आज खिलाड़ी मान को जिते बिल आम हॉकी आरंभ कलु हॉस्टल जिते आसलु 89-90 से समय अस्टअप देखापे आम कलिकता जाऊ से मसे प्राक्ट करूँ आम डेली खेल को जाऊ जीतिक आसलु तो आज एत चेंजेस आज जेटा आम देखु एविन एविन मुझे 96 आसली भुवनेश्वर एवं से समय मु ग्रीन ग्रास ग्राउंड मु खोजु थिली प्रैक्टिस करिया पई फिटनेस मेंटेन करिया पई एवं से भी सुजग एठी नथला पर्यंत फिटनेस कोन आपन आज मु पार्क जोथली फिटनेस करिया पई सो स्ट्रगल तो बहुत कराई छे मु भाबु छे एवं किछि भी कोनसे भी आपन अचीव करिया पई बिना स्ट्रगल के अचीव करि परिबेनी किंतु आज मु धन्यवाद देबी मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी को जदि आज स्पोर्ट्स कैपिटल हो पारे हॉकी रो कैपिटल हो पारे आज आम 2018 रे ग्रैंड सक्सेसफुल आम वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर पारिछु 2023 वर्ल्ड कप आम करने को जाऊँ बर्तमान से भुवनेश्वर और राउरकेला जो राउरकेला आम के भाई नु कि राउरकेला वर्ल्ड कप हे एटी विराट स्टेडियम 20,000 कैपासीटर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होगा जाऊँ कौना कौटी हॉकी रो केसटा किसी वर्ष तर लुचि जाइला मो सदा बेले मु आम समस्त ऋणी अच्छे आम सदा बेले धन्यवाद जनाऊ आम मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी को कि हॉकी सहित जोड़ी हेबा हॉकी को हॉकी रो प्रमोशन हाथ बढ़ेबा
ନ୍ୟାସନାଲ ଟିମ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ାଲ ନେଇକି ଆସିଲେ ୟୁ ନୋ ସୋ ଏବଂ ଆପଣ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆଚ୍ଛା ସାମନ୍ତ ସିଂହ ମଧ୍ୟ କି ହକିର ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସଟପ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଖେଳାଳି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହକିର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ହକିର ଯେଉଁ କ୍ରେଜ୍ଟା ବଢ଼ିଛି ମୋ ମତରେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ରିଏଲି ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଗକୁ ହକିର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ୍ ଜିତି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ 41 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ୍ ଜିତି ଆସିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 17 ବ୍ଲକ୍ରେ 17 ରାଷ୍ଟ୍ରଟପ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିପାରିବ ଯେଉଁ 17 ବ୍ଲକ୍ରେ 17 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଛି ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ଇୟର୍ଲି ଏଜ୍ରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି କ୍ୱାଲିଟି ବି ସେଠି ଆହୁରି ମିଳିବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ମିଳିବ ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ସମୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ପିଲା ବି ମିଳିପାରିବୁ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ ଏକାଡେମୀ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ବି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କିଭଳି ମଜବୁତ କରାଯିବ ସେଟା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ହକିର ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମେଡ଼ାଲ କେବେ ପାଇଥିଲେ ଖେଳରେ ହକି ଖେଳରେ 89-90ରେ ସବ୍ ଜୁନିୟର ନେହେରୁ ଆମେ ସବ୍ ଜୁନିୟର ନେହେରୁ ଜିତିକି ଆସିଥିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସୋ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଆମେ ମୁଁ ଜିତିଥିଲି ଦିନେ ଏମିତି ଥିଲା କି ଗାଁର ଟିମ୍ରେ ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା ଗାଁ ଟିମ୍ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କୋଚେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲ ଏକାଡେମୀ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ 88-89ରେ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ NSTC ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ସାଇର NSTC ସ୍କିମ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଏସ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଆସିକି ସେଠି ଆମେ 3 ବର୍ଷ ଥିଲୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଠି AK ବଂଶଲ କୋଚ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ସ ଟିମ୍ ମେନ୍ସ ଟିମ୍ରେ କୋଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ସେଇ ନେହେରୁ ଚମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଜୁନିୟର ସବ୍ ଜୁନିୟର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇ 2-3 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବିଏସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲୁ ଆମେ ସବ୍ ଜୁନିୟର ନେହେରୁ ଜିତିଥିଲୁ ଜୁନିୟର ନେହେରୁ ଜିତିଥିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସର୍ଦ୍ଦାର ମୋହନ ସିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଜୁନିୟର ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଲେଭେଲରେ ଡେଲିରେ କୌଣସି ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲୁ ଆପଣ କେବେ ନିରାଶ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଖେଳରେ ସେଟା ହେଇଛି ବେଳେବେଳେ ହେଇଛି ଦିନେ ଏମିତି ଥିଲା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍ରେ ଯେତେ ବି ହଷ୍ଟେଲ NSTC ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଥିଲା ତ ସେ ସମୟରେ 89-90ରେ ହେଇଥିଲା କଲିକତାରେ କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମାସେ କୋଚିଂ ପରେ ଆମକୁ 3-4 ଦିନ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେହେତୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆମକୁ 3-4 ଜଣକୁ ଆମକୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିବା ଟେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମେ କେତେ 12-13 ବର୍ଷ ଥିଲୁ ଏବଂ 2.5 ୟାଙ୍କ 24 ମିଟର ସେ 400 ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ର ଏବଂ ଦିନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା କି ଝିଅମାନଙ୍କଠୁ ବି ଆମେ ହାରିଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟରେ ଝିଅମାନେ ଆମଠୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଫିଟନେସ୍ର ଶରୀରର ଏତେ ୱିକ୍ ଥିଲା ଏତେ କମଜୋର ଥିଲା ତ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ହତାଶ ହୋଇନଥିଲୁ ତ ଏଇଭଳି ହତାଶ ହୋଇଛି ଜୀବନରେ ଆଉ ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଝିରେ ଆଉ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଖେଳିଲୁ ଯେତେ ଜାଣିଲୁ ସେ ସମୟରେ ଗୁଡ଼ା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବି ହୋଇଛୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଜର୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ହାରର ସାମ୍ନା ବି କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏତିକି ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି ଆମେ ଏସିଆନ୍ ଲେବଲ୍ରେ ଭଲ କରିଛୁ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛୁ ଆମେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଜିତିଛୁ ଆମେ ଚମ୍ପିଅନ୍ର 4 ପୋଜିସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ ସାଫ୍ ଏଫିଏନ୍ସ ଜିତିଛୁ ଇଭିନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏମିତି ଅଛି ୱାର୍ଲଡ଼ 11 ଟିମ୍ରେ ବି ଆସିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି କି ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିପାରୁନୁନି ଆପଣ ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ତିର୍କି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କହୁଥିବି ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଇଏ କରିବେ ଆଦିବାସୀ ଇଏରେ ଆପଣ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ
तारका जी पाई पद्मश्री मुझे श्योर नुह कितु बोधे जो तू 2004 रे मु पद्मश्री मु पाइली बोधे हाई पारे से समय हॉकी खिलाड़ी भितरे कहा को मिल नथिला बोधे आपण 400 रु ऊर्ध मैच खेले चंते सेटा भी माने कहबे जे मो पर रिसर्च कर चंदी से लेख चंदी ना आपण सब तो कथा क्योंकि आमे खेली खेली चली गलु हम जणा पड़ी नथिला 2006-07 रु मो एंकल प्रॉब्लम है एक्चुअली मो दुटा जाको एंकल असुविधा है एवं बाध्य हो कि एंकल प्रॉब्लम जो मु प्रैक्टिस करिबारे मत मु ठीक समय प्रैक्टिस करि पार नथली ठीक लोड नै पार नथली तो बाध्य है कि 2009 रे मु इंजरी जो रिटायर नेली मु और जो आप कहले कि 412 मैचेस बस जोश रे खेली देलु एवं आज जो कहले कि भाई बोले खुशी लगे 412 मुझे कहे आज निजी धन्य मन करें विराल व्यक्तित्व सामने मुझे बसी पारे आगामी वंशधर मान को कौन कह बार्ता सजेसन कौन रखु बर्तमान स्पोर्ट्स को आम समस्त प्रायोरिटी नौ समस्ते सिर्फ खिलाड़ी नुह या गवर्नमेंट नौ मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक बर्तमान यूथ फॉर स्पोर्ट्स कहते से हिसाब से डेवलपमेंट काम चलती कह जो पुओ झी मैंने स्पोर्ट्स करने को चाहते या हॉकी या कौन से खेल खेलुं तार गोटे समय अच्छे तार समय भितर जदि आप चाहते आपको जापारती आप कोच कौन भल खिलाड़ी आपारे सिनसियर हो खेलतु आप क्रीडारे आसे राजनीति को बेसी साधारण पहुँचापी ना कौन समस्ते शांति सोशल काम करने कौटना कौटि मो मन भी थी आम भी बहुत गुड़े अवस्था देखी छु सो मन में मझे आस लगे कि जदि कर समाजपाई गाँव लोक भल धन्यवाद देवी मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को मत से समय पॉलिटिक्स विषय या क्या साय कर गोटे प्लाटफर्म दे यंग एत छोट समय से समय आगु नियम प्रथा नथिला या ये बोले कि अन्य पार्टी रो लीडर या सीएम मुख्यमंत्री की कर नथिले एवं क्रीड़ाविद भाव में खिलाड़ी हिसाब से प्रथम थर भाव में मत पठाई राज्यसभा सो से रियल मोपाई बहुत एक्सपीरियंस मुझे गेन कली मत बहुत शिखा को मिलला गोटे क्रीड़ा क्षेत्र गोटे राजनीति क्षेत्र ए दुटा को केमती आपण मिसेबे दुटा जको निज निज जगार समान मु कहबी कहीं आप जो समय खेलु से समय क्रीड़ा आपण फेवरेट आपण से आगे बढ़ी चलिए राजनीति बिना राजनीति डेवलप कम हो पारनी पॉलिटिक्स हूँ गोटे प्लाटफर्म जो कि आपठ रही कि गोटे आप समाजपी या गरीब लोक करेंगे आप प्रथम राज्यसभा एमपी हेले केमती लगला से खबर शुणी से समय पॉलिटिक्स टा एत्ते बड़ प्लाटफर्म जो हाँ जाना नथिला सो निश्चय आपन को जदि से माहौल रे रहबा को बहुत सीखबा को पड़िबो एवं निश्चय टिके डर भी लागुथला कि से हिसाब रे आमे पेपर पर नथिलु सो धीरे धीरे सबुठी आरंभ हेथाय सो सेठी मध्ये आरंभ हेथला एवं बहुत किछि मते सिखैला आमे प्रायतः मु बहुत खेलाड़ींकर इंटरव्यू रे देखि छी जिते से गाँव रू आसती प्रथम खेलु था जितिय स्तर को जाती से कहते जे आम भल इंग्लीश कहीपुर नु से असुविधा आपणकर किसी असुविधा है बेले बेले असुविधा भी होता है कहीं बड़े बेले यूज टू हो न था पर शिखा पड़ी था बहुत देखी न था आम सागर भी होती आम भी इंग्लीश अल्प समय पर कथ चेषा कर जस्ट इशारा कर चेषा कर सो आरंभ रे कहीं नॉर्मली जिते भी खिलाड़ी जमी आप कहले कि
रूराल बैकग्राउंड आसती नॉर्मल स्कूल पढ़ी आसती से समय पाठ पढ़ा एमती नहीं कि समस्त नॉलेज नहीं ज्ञान नहीं ज्ञान अच्छी किंतु से भीतर को समय पाठ पढ़ा ध्यान दे पारते कौन सी कारण सत फाइनेंशियल हो या अन्य खेल जो कि अधिकांश खिलाड़ी सीखी जाती महिला सशक्तिकरण टाकु आपण केमिति नजर रखुचंते किंतु सरकार या क्षेत्र रे बहुत काम करछंती सहाय्य करछंती एवं जो महिला मैंने जोठी गाँव रे हो या शहर रे हो जो महिला मैंने निज गोड़ छिड़ा हेबाकु चाहूछंती एवं एग्जांपल हेबाकु चाहूछंती अन्यंक पई आ आगक बढ़िबाकु चाहूछंती ता पई सरकार सहाय्य करूछंती गाँव गहली रे महिला समस्ते एवं से माने निजे इंटरेस्ट होती निजे कि बोले निजे निज गोड़े निज हाथ में काम करके आग को बढ़ू समाज एग्जांपल हेबू एवं परिवार को चलई पार समाज को चलई पार दिलीप तिर्की गोटे एभलिया ना आज्ञा प्रायतः अनेक मन भितर नाटा रही जामें देखु आपण जड़े आदिवासी संप्रदायर आसी जातीय अंतर्जातीय स्तर रे बहुत ना करिसेंती आपण जातीय स्तर रे अधिनायक मध्य हेचेंती मु जति के जानिची आपण बोध हुए आदिवासी संप्रदायर प्रथम व्यक्तित्व जे जातीय स्तर रे खेल रे आपण अधिनायक हेचेंती आपण कोन कहिबे आपणक परवर्ती पीढ़ी आधुनिक पीढ़ी जो माने आगु को जीवा पई चाहुचेंती एबे भी अनेक खेलाड़ी अछंती अनेक पिला अछंती जो माने स्कोप पाउ नाहंती किंतु आपण अनेकक पई गोटे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन प्रेरणा बहुत बड़ा आप कौन कहते हैं वर्तमान गाँ अंचल बहुत पुव झी स्पोर्ट्स करुँच हॉकी खेलु आज मत गाँव में आपण समस्ते आदिवासी पुव झी जो बर्तमान प्राक्ट कर जो जो रोचे दिने से ग्राउंड्रे से मटी ग्राउंड ग्राउंड्रे आम खेलु मत भी जाना नाला फ्यूचर आगे कौन जीव एवं आपन जो परिश्रम बर्तन करूँ से परिश्रम मुझी से बर्तमान गुड़ाए गाँव में कोचिंग रो प्रोविजन ना कोचिंग प्रॉपर कोचिंग पाई ना हॉकी रो टेक्निकल विषय जापार ना गाँव में से भले कोच ना कि आप हॉकी खेलुं से भाया आमर भी सीचन थी से समय आम पाखे कोच ना भल ग्राउंड ना फिटनेस उपरे जान नथिलु सही अवस्था थिला किंतु सही भितरे आमे हॉकी की कि आम मन रे हॉकी खेलिबार गुडे जोश थिला गुडे क्रेज थिला और एटा आपण समस्त गाँ लोक एटा आमे सिखिथिलु पाइथिलु आपण को भितर गुडे प्रचंड दृढ़ता थिला जे मु पारिबी मु करिबी सेतिकी से सस्त कथा सेतिकी कि मु करिबी मु पाइबी एवं से करिबीटा हला सिंसियर मोर भी विश्वास कि आपन जिते भी गाँ गहली खेलुंट आदिवासी पुव झी मैंने कि आप पाखे जो टैलेंट अच्छी जो हॉकी खेल अच्छी जोठी भी था समय दिंतु सिंसेरी के समय दिंतु आप सिंसेरीटी दिने आप नेशनल पहुँचे इंटरनेशनल पहुँचे राज्यपाई देशपाई गौरव आण सो मोर ये मुझे कह चाहिए हॉकी माध्यम रे आम आदिवासी पुव झी मैंने बहुत आगे को जाती मुझे से गाँव रु ही हॉकी सीखी मुझे आज ए पर्यंत आती कि इंडियन हॉकी टीम रो कैप्टन हो सुजोग पाई निश्चय आप समस्ते सिंसियर प्रैक्टिस कले परिश्रम कले निश्चय देश राज्यपाई गौरव आणवे एवं निश्चय जॉब मध्य पाई पारिबे बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित भाव आपण कथार बहुत जन प्रेरणा पाए प्रेरणा मिले गोटे सहज कथा नुह जदि क्या पाखु मिल जाऊँगी बहुत भाग्यर कथा आपण मन को निश्चित भाव ए आलापटी भल लगी बहुत प्रेरणा दब पुणी थारे देखा हबो नमस्कार।